हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपको, आप लोगों को अपने चैनल में। सो फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास आज एक बोर्ड है जिसको बहुत कस्टमर्स डिमांड करते रहते हैं लाने के लिए। ये 100+100 वॉट का बोर्ड है सर फ्रेंड्स, विद बेस एंड ट्रेबल कंट्रोल के साथ, जिसमें ब्लूटूथ भी है एंड यूएसबी भी है। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही ये पावर पैक्ड बोर्ड है। आइए देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या है। पहले फ्रेंड, ये मेन बोर्ड है, हम लोग देख सकते हैं ये बोर्ड बनाया हुआ है। और ये सैनी लिंक करके, जैसे आपने वूजी ऑडियोस के बोर्ड देखे हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही ये एक चाइनीज ब्रांड है सैनी लिंक, जिसने ये बोर्ड बनाया है। आइए इस बोर्ड को मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ, उससे पहले देख लेते हैं कि इसके साथ और क्या क्या आता है। फ्रेंड्स, इसके साथ फिर से ये मेटेलिक पीसीबी के एनक्लोजर आते हैं, जो ऊपर नीचे लग के इसको एक एनक्लोजर का लुक देते हैं। इसमें हीट सिंक है और कुछ कनेक्टर्स एंड नॉब्स हैं। तो फ्रेंड शुरू करते हैं, मैं आपको एक बार बोर्ड का ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर असेंबल करके पावर अप करके आपको दिखाऊंगा इस बोर्ड को। सो आइए जरा एक करीब से लुक देखते हैं इस बोर्ड में कि क्या क्या है। सो ये देखिए, ये इसका फ्रंट फेसिंग है, ये मेन वॉल्यूम है, ये बेस की ट्यूनिंग के लिए है, ये ट्रेबल की ट्यूनिंग के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसकी मेन आईसी देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये AP3050D है। फ्रेंड्स मेरे से बहुत लोग डिमांड करते रहते हैं TPA3116 की, पर मैं एक अपडेट दे दूं फ्रेंड्स कि वो आईसी अभी नहीं आ रही है, और फिलहाल अगले 6 महीने से साल भर तक वो आईसी नहीं आएगी। तो उस कंडीशन में ये आईसी जो है, ये एक रोल ओवर मॉडल है जो अभी फिलहाल यूज हो रही है क्लास डी के लिए। बहुत अच्छी आईसी है। आपने वूजी का जो बोर्ड देखा था, उसमें भी ये है। ये बहुत तरह तरह के नाम से आती है, कहीं पे वूजी लिखा रहता है, कहीं पे AP350D लिखा रहता है, कहीं पे CS8676 कुछ करके लिखा रहता है। तो ये बहुत डिफरेंट मॉडल्स में, पर अभी फिलहाल मार्केट में यही आईसी अवेलेबल है जो आपको देखने के लिए 200 वॉट में मिलेगी। सो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, ये मेन कैपेसिटर है जो 35 वोल्ट का लगाया हुआ है, क्योंकि ये बोर्ड 24-25 मैक्स 26 वोल्ट तक चलता है, हालांकि 24 वोल्ट के अंदर ही यूज करना चाहिए। ये फ्रेंड्स इसका यूएसबी है, जिसके थ्रू आप कोई पेन ड्राइव या किसी चीज के थ्रू आप प्ले कर सकते हैं। ये आप देखेंगे तो ऑक्सिन है, और ये ऑडियो आउटपुट फॉर हेडफोन है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लूटूथ की JL की आईसी है, और ये ब्लूटूथ का एंटीना है, ये ब्लूटूथ का क्रिस्टल है। दो ऑप एम्प्स दिए हैं, एक बेस के लिए होगा, एक ट्रेबल के लिए होगा, और ये मास्टर वॉल्यूम में रोटरी इनकोडर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रेस हो जाता है, तो ये रोटरी इनकोडर प्रेस होकर के जो है आपका एक नेक्स्ट और प्रीवियस आप कर सकते हैं, और वॉल्यूम भी कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो आपको ट्रैक को नेक्स्ट प्रीवियस करना होगा, तो वो ये रोटरी इनकोडर को दबा करके काम करता है। यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल डायोड्स लगाए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें एम्पेयरेज ज़्यादा चाहिए होगा, तो इन्होंने SS545 एम्पेयर का डायोड दो लगाया, तो 10 एम्पेयर तो यही हो गए, प्लस एक ये छोटा सा डायोड इन्होंने और लगा दिया, तो 12-13 एम्पेयर इन्होंने डायोड से दे दिया है। तो आप देख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग का बोर्ड है, विद बेस एंड ट्रेबल है, 2.0 है, 100+100 वॉट है। तो आइए मैं इसका इनक्लोजर में इसको कस लेता हूँ, और फिर आपको पावर अप करके दिखाता हूँ कि ये बोर्ड जो है कैसे चलते हैं। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड। फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने इस इनक्लोजर को कस लिया है। एक बुरी बात बताऊं फ्रेंड्स, इसमें ये जो ब्लैक वाले स्क्रूज थे, वो सिर्फ 4 ही मिले थे, तो 2 मैंने इधर डायगनल लगा दिए हैं और 2 इधर डायगनल लगा दिए हैं। आई होप कि पूरे लॉट में ऐसा ना हो, अगर होगा तो इन केस कस्टमर को ये स्क्रूज अपने से अरेंज करने होंगे, क्योंकि मेरे पास तो ये इतने पतले स्क्रूज नहीं ही मिलेंगे। सो मुझे पता नहीं, थोड़ा सा मिस कैलकुलेटेड इनकी पैकिंग दिख रही है, क्योंकि मेरे को ये एक नॉब ज़्यादा मिला, जो कि मुझे लगता नहीं कि कहीं यूज़ होगा, और स्क्रूज कम मिले। सो खैर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक बोर्ड बन गया है जिसमें यूएसबी भी है, ऑक्सन भी है, ब्लूटूथ भी है, और वॉल्यूम के साथ बेस ट्रेबल भी है, 100+100 वॉट का है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, और फिर आपको पावर अप करके प्ले करके दिखाता हूँ।
सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पावर अप है। मैं इसको 15 वोल्ट्स ही दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास जो स्पीकर्स हैं वो 40 वाट के ही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो ख़राब हो जाए। तो और मैंने बोर्ड को पावर अप किया हुआ है, मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वो नीचे आप देख रहे हैं, ये सर्च कर रहा है डिवाइस को। मैं श्योर नहीं हूँ कि यस ये ब्लूटूथ ऑन है। इसे कनेक्ट कर लिया हमने, पेयर कर लिया फ्रेंड्स, ये पेयर हो गया है। अब हम लोग यूट्यूब पे इसको कनेक्ट करते हैं। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड। सो फ्रेंड्स आइए प्ले करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने प्रेस किया तो ये पॉज हो गया। सो बहुत मज़ेदार बज रहा है, बट इश्यू ये है फ्रेंड्स कि जो मेरे स्पीकर्स हैं वो सैटेलाइट स्पीकर्स हैं, तो वो बेस के लिए बने नहीं हैं, इसलिए बेस डिस्टॉर्ट हो रहा है जब मैं बजा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा ट्रेबल और बेस है इसका, बहुत रिस्पॉन्सिव है। मेरे स्पीकर मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यूजुअली मैं 2.1 पे यूज़ करता हूँ, तो ये सैटेलाइट स्पीकर्स हैं। मैंने उनको इस ऑब्जेक्टिव से बनाया है कि वो एज अ सैटेलाइट स्पीकर में बेस की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट स्टिल आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि कितना बढ़िया ये बोर्ड है। और आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 15 वोल्ट दिया है और उस पर भी ये बहुत लाउड है। सो 24 वोल्ट पे तो ये बेहिसाब बजेगा फ्रेंड्स, और बहुत ही बढ़िया बोर्ड है। इवन 15 वोल्ट्स भी हैंडल करने में स्पीकर्स को इश्यू हो रहा है। सो फ्रेंड्स देख लिया आपने, एक बहुत ही बढ़िया बोर्ड है जो कि कंप्लीटली पावर पैक्ड है। सारे सॉल्यूशंस आपको इतने से बोर्ड में मिल जाते हैं, चाहे वो ब्लूटूथ हो, चाहे वो यूएसबी हो, चाहे वो बेस हो, ट्रेबल हो। और 100 100 वॉट का है, 12 वोल्ट पे भी चल जाता है, बढ़िया अच्छी ऑडियो है, और 24 वोल्ट पे तो क्या ही कहने। सो आराम से आप इस पे 4 ओम्स का भी स्पीकर लगा सकते हैं। 4 ओम्स स्टेबल है, ये कोई इशू नहीं है। 8 ओम्स लगाना ज़्यादा बेटर हमेशा इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपके एम्पलीफायर को कम लोड देता है, कम हीट करता है। सो आपकी मर्जी, आप चाहें तो 4 ओम्स भी लगा सकते हैं, 8 ओम्स भी लगा सकते हैं, दोनों ही कॉम्पिटेबल है। सो कैसा लगा फ्रेंड्स मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं लिंक में इसका परचेज लिंक डालना हूँ वेबसाइट का, और अपनी व्हाट्सएप डिटेल्स डालना हूँ। अगर कोई क्वेरीज होंगी तो मेरे को कांटेक्ट बैक करिएगा। सो दिस इज़ फॉर दिस टाइम गाइस। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।